मेथड में सीखा कि कैसे पॉलीनोमियल को डिवाइड किया जाता है। स्टार्टिंग विद द 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आप डिवाइड करिए इसको, और सारे पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट x प्लस वन है, दूसरा पार्ट x माइनस वन बाय टू है। मैंने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस में दो करवा रखे हैं, अभी और दो चार और कर लेते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में लिमिटेड है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है ये। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सी यहां पे है x क्यूब, यहां पे है x, क्या चाहिए हमें, किसकी कमी दिख रही है, एक्स स्क्वायर की कमी दिख रही है। अब फिर वही चीज, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, फिर इसका इससे, एक्स इंटू दिस एक्स क्यूब, दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको कहा था पहला वाला हमेशा कटेगा। अब इसका साइन है पॉजिटिव तो यहां ले लेंगे, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव, ये कट गया, कैंसिल आउट। क्या बचा है यहां पे, यहां पे बचा 3x स्क्वायर, में से x स्क्वायर गए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमें चाहिए 2x स्क्वायर, यहां पे क्या है, जस्ट x है, क्या नहीं है, एक तो 2 नहीं है और एक x नहीं है, और नहीं तो अगर आपको करना हो तो सिंपल सा इस तरीके से भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी ने इस तरीके से किया है, कट गया तो 2x बचा, तो 2x से किया ऐसे, जैसे ये x स्क्वायर था तो आपने x स्क्वायर से x क्यूब से काटा x से, बट वो अंडरस्टूड है, इतना करने की जरूरत है नहीं आपको, बट फिर भी अगर ये अप्रोच करना चाहते तो ये भी आप कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, आप 2x स्क्वायर चाहिए, आपने 2x से लिया, मल्टीप्लाई करिए 2 दिस इनटू दिस 2x स्क्वायर, दिस इनटू दिस 2x, साइन चेंज, माइनस माइनस 3x, वैसे 2x गए x प्लस वन। अब देखिए ये भी x प्लस वन है, ये भी x प्लस वन है, पूरा ब्रैकेट है, लेकिन इंटू तो करना पड़ेगा आपको, और कोई भी नंबर है अगर आपको इंटू करना तो आप क्या लेंगे, अब ले लेंगे आप 1, जैसे ही मान लिया तो यही ब्रैकेट आएगा एज इट इज, साइन चेंज, डिवाइड हो गया पूरा, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला था फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपके पास है जीरो, बट आप फिर वापिस से सिस्टमैटिक जो हम फॉर्म लिखते थे एट दी एंड, ये वाला पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, आप ये जरूर लिखिएगा, इसके अंदर पी एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, जी एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, आर एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, आर एक्स ये रहा आपका जीरो, क्यू एक्स ये रहा, पी एक्स तो ये है ही और जी एक्स ये रहा। सेकेंड पार्ट, अब यहां पे है फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन है तो इसके लिए आपको ज्यादा वो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल सी मैथमेटिक्स वही, बस ये सोचिए कि सिंगल यूनिट की जगह आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू दे दिए, कोई भी जो प्योर नंबर था उसकी जगह आपको फ्रैक्शन नंबर दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगेन, देखिए क्या चाहिए आपको, एक्स क्यूब यहां पे एक्स है, सिर्फ इसको देखना है, क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका इससे इंटू कराइए एक्स क्यूब, ओके अच्छा इसका इससे इंटू कराइए, तो देखिए 1 बाय 2 का इंटू कराएंगे आप एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर, तो प्लस ये प्लस माइनस माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, पहला वाला हमेशा कटेगा, अब ध्यान रखिएगा माइनस का ध्यान रखिएगा, 3 में से 1 बाय 2 गए, 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5 बाय 2, और आपको पता ही होगा एक्स स्क्वायर, 5 बाय 2 एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 5 बाय 2 एक्स स्क्वायर। अब यहां चेक करिए, अब आपको क्या चाहिए, 5 बाय 2 एक्स स्क्वायर चाहिए, क्या है यहां पे, सिर्फ यहां पे क्या नहीं है, एक तो आपका 5 बाय 2 नहीं है और एक आपका एक्स नहीं है, अब इंटू कराइए 5 बाय 2 एक्स स्क्वायर, फिर इसका एक्स इंटू कराइए, देखिए 1 बाय 2 का इंटू होगा 5 बाय 2 से, तो 1 5 जा 5, 2 2 जा 4, तो ये आपका आ गया इधर, गलती हो गई, हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 बाय 2 को पॉलीनोमियल से, जो पॉलीनोमियल गिवन है। अब यहां पे है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और नंबर्स में कोई ज्यादा इशू नहीं है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल से बस अपनी कैलकुलेशंस का ध्यान रखिएगा, एलसीएम का ध्यान रखिएगा, इजी गोइंग है, बहुत इजी गोइंग है ये। देखिए आपको चाहिए एक्स क्यूब, यहाँ पे है एक्स, क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, इंटू कराइए
एक्स क्यूब, दिस इंटू दिस माइनस का 1 बाय टू से एक्स स्क्वायर इंटू होगा तो यू नो आपको मिलेगा 1 बाय टू एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हमेशा कटेगा। अब देखिए 3 में 1 बाय टू, हाँ ये कॉमन है, अंडरस्टूड है ना कि वो नहीं ले रहा। तो 2 3 था 6, तो 6 प्लस 1 7 बाय 2 एक्स स्क्वायर, ये जिट इज नीचे उतारा। अब आपको क्या चाहिए, 7 बाय 2 एक्स स्क्वायर, 7 बाय 2 एक्स स्क्वायर, तो आपने लिया प्लस, क्या नहीं है 7 बाय 2 एक्स नहीं है, इंटू कराइए 7 बाय 2 इंटू दिस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हमेशा। अब देखिए 7 बाय 2 को 1 बाय 2 से इंटू करेंगे, 7 7 2 2 जा 4, तो प्लस माइनस माइनस, ये मिल गया आपको 7 बाय 4 एक्स। अगेन साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। फिर एलसीएम लीजिए आप, 3 में ये फिर ऐड होगा, प्लस 7 बाय 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 7 19, 19 अपॉन 4 एक्स, और प्लस 1 एज इट इज लिख दिया। अब आपको चाहिए 19 अपॉन 4 एक्स, क्या है ऑलरेडी आपके पास x, क्या नहीं है 19 अपॉन 4, इंटू कराइए आगे 19 अपॉन 4 एक्स, प्लस माइनस माइनस, देखिए 19 अपॉन 4 को इंटू करेंगे 1 बाय 2 से, तो 19 वन 19, 4 टू जा 8, तो 19 बाय 8, साइन चेंज, माइनस प्लस, पहला वाला फिर कटा, एलसीएम ले लीजिए इसका कितना आ रहा है, अपॉन 8 प्लस 1, 8 वन जा 8, तो 19 प्लस 8 अपॉन 8 मीन्स 27 बाय 8, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिमाइंडर। आपने देखा कि फ्रैक्शन में सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस ध्यान क्या रखना है आपको, आपको ध्यान रखना है एलसीएम्स का और माइनस का। एक्चुअल में जो मिस्टेक्स होती है मैं बताता हूँ आपको होती कहाँ है, जब बच्चे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक तो इग्नोर कर देते हैं नेगेटिव साइन को, और जहां आपने नेगेटिव साइन इग्नोर किया तो खत्म। अब इसी टेक्निक को हम आगे दूसरी मेथड से करेंगे विच इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम, बट आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप सस्ते के पीछे मत भागिएगा, आप सोचे ये थोड़ा टफ है, टफ दिख रहा है, लेकिन आप 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ 5, और छठे में आपको ऑटोमेटिक अच्छे से आ जाए ये चीज। और 2.3 में आपको जहां पे भी क्वेश्चन इस तरीके से आए डिवाइड फाइंड रिमाइंडर, तो आपको इसी मेथड से करना है। आई नो अल्टरनेट ऑप्शन इज देयर, फैक्टर थ्योरम है वो बहुत ही सिंपल है, बट फैक्ट ये है कि 10th क्लास में फैक्टर थ्योरम काम नहीं आएगी आपके, 10th क्लास में ये आएगा, और जब 10th में करना ही है बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो आज ही क्यों नहीं। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलीनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब देखिए दो वेरिएबल्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन टफ है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है मैथमेटिक्स का, सिंपल सा एक जो सिद्धांत है वो ये है, जो चीज दिखती है टफ वो होती नहीं है, और जो चीज सिंपल होती है वो टफ होती है, एक्चुअल में ऐसा है। देखिए एक्स क्यूब, एक्स किसकी कमी है, एक्स स्क्वायर की, अपन ने लिया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू दिस एक्स क्यूब, ओके। अब एक्स स्क्वायर का ए से इंटू क्या, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर, ओके। अच्छा साइन चेंज, माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आपने नीचे उतारा उसको एज इट इज, सिक्स एक्स माइनस ए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिक्स एक्स, सिक्स एक्स किसकी कमी है, सिक्स की, तो आपने ले लिया सिक्स, सिक्स इंटू दिस सिक्स एक्स प्लस माइनस माइनस सिक्स इंटू ए, सिक्स ए अगेन साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि आप अच्छे से जान चुके हैं कि पहला वाला हमेशा कटना ही है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, सिक्स ए में से ए गए, आंसर फाइव ए, देन फाइव ए इज द रिक्वायर्ड रिमाइंडर, आपको उसने बोला था रिमाइंडर निकालिए और आपने रिमाइंडर